अस्सलामु अलैकुम नाज़रीने ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, शादी के बाद मियां बीवी जिस तरीके से चाहें हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम के दायरे में रहकर मर्द औरत के आगे वाले हिस्से से फ़ायदा उठाएं, पीछे वाले हिस्से से हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज़ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ हम बिस्तरी के 3 ऐसे तरीके शेयर करेंगे जिसको इस्लाम में भी तस्लीम किया गया है, और इन तरीक़ों से मर्दों की टाइमिंग में भी इजाफा होता है और औरत भी मुतमईन और खुश रहती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 1, औरत का नीचे और मर्द का ऊपर होना। हम बिस्तरी का पहला तरीका जिसे औरत बहुत ज़्यादा पसंद करती है, ये कि औरत पीठ के बल नीचे लेट जाए और मर्द औरत के ऊपर आकर औरत की टाँगें खोल कर या मर्द उसके सामने घुटनों के बल बैठकर औरत से हम बिस्तरी करें और शर्मगाह में नफ्स दाखिल करें। इस तरह करने से दोनों की शर्मगाह एक दूसरे के सामने होगी, नफ्स के दखूल में भी आसानी होती है और मर्द अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे हरकत कर सकता है, आगे झुक सकता है और औरत के जिस्म से जिस्म को मिलाकर भी मज़ा ले सकता है। नंबर 2, औरत की टाँगें ऊपर उठाना। हम बिस्तरी का दूसरा तरीका जिसे औरत बहुत ज़्यादा पसंद करती है वो ये कि औरत पीठ के बल लेट जाए और मर्द घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाए। मर्द औरत की टांगें उठाकर या कंधों पर रख लेता है या फिर अपनी बाहों में। यह तरीका थोड़ा तकलीफदा साबित होता है, लेकिन इस तरीके से मर्द और औरत दोनों को लज्जत हासिल होती है और औरत आसानी से हामला हो जाती है। नंबर 3, औरत का घोड़ी बन जाना। हम बिस्तरी का तीसरा तरीका जिसे औरत बहुत ज़्यादा पसंद करती है वो ये कि औरत घुटनों के बल घोड़ी बन जाती है और मर्द या तो खड़े होकर या घुटनों के बल औरत के पीछे के रास्ते से आगे की शर्मगाह में नफ्स दाखिल करता है और हम बिस्तरी करता है। हम बिस्तरी के इस तरीके से मर्द का नफ्स पूरे का पूरा औरत की शर्मगाह में अंदर चला जाता है, इसलिए औरतें ये तरीका बहुत पसंद करती हैं। तो नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।